Good morning, student. In this video, I will read the chapter 9 of science, class 3rd, the Earth. देखिए अर्थ, एज वी नो डैट, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है. सारे प्लैनेट्स हमें पता है कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं. उसमें अर्थ एक ऐसा ही प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ को सर्वाइव करना पॉसिबल है. सो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. अर्थ, द अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट इन सोलर सिस्टम ऑन विच लिविंग थिंग्स हैव बीन फाउंड. द अर्थ इज एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड सो इट इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. इट इज़ द ओनली प्लैनेट विद वाटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. वैन द अर्थ वॉज फॉर्म्ड लॉन्ग लॉन्ग अगो, इट वॉज हॉट बॉल्स ऑफ रॉक एंड गैसेस. विद टाइम द आउटर पार्ट ऑफ रॉक अर्थ कूल डाउन ड्यू द रेन्स एंड थंडर स्टॉर्म. लाइफ इज फाउंड ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ इज स्टिल वेरी हॉट डीप इन साइड. देखिए अर्थ के बारे में बताया गया है, इसमें ये बोला गया है कि सोलर सिस्टम में अर्थ में ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लिविंग थिंग्स पाई जाती है और ये सन के राइट डिस्टेंस पर है. इसी वजह से क्या है, यहाँ पे ज़्यादा सर्दी है न ज़्यादा गर्मी है. बिकॉज क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है सन के, तो इसलिए ये इसमें हमारी जो अर्थ है इस पर ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, ना ही ज़्यादा ये ठंडा ग्रह है, ना ज़्यादा गर्म ग्रह है. और ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे पानी बहुत अच्छी मात्रा में है, जिससे जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और अब काफ़ी साल पहले क्या होता था, कहा जाता था इसके बारे में कि जो हमारी अर्थ है ये बहुत गर्म पत्थरों और गैसों से मिलकर बनी हुई है, हॉट बॉल्स हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी. तो मगर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो उसका ऊपर का जो भाग था, आउटर पार्ट था अर्थ का, ये क्या हो गया, ठंडा हो गया. किससे हो गया, बारिश से और थंडर स्टॉर्म से ये ठंडा होने लगा, जिससे इसका आउटर पार्ट ठंडा रहने लगा. इसलिए यहाँ पर जो इसका आउटर पार्ट है इस पर लाइफ को फाउंड करना ईजी हो गया. और मगर हम अभी भी क्या है, द अर्थ इज स्टिल वेरी हॉट, मगर ये क्या है, अंदर से अभी भी बहुत गर्म है. शेप ऑफ द अर्थ, अराउंड 500 ईयर्स अगो अ स्पेनिश शेलर फर्डिनेंड मैगेलन प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड. ही स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट फ्रॉम वैन सेलिंग ऑन in one direction. After 3 years he reached at the same point from where he had started. He proved that अर्थ इज राउंड. 500 साल पहले एक स्पेनिश सेलर आए, इनका नाम फर्डिनेंड मैगेलन थे. उन्होंने ये जाना कि अर्थ क्या है, अर्थ शेप में है, राउंड है, गोल है. उन्होंने कैसे चेक किया कि 3 साल तक उन्होंने एक पॉइंट से लेकर दूसरे डायरेक्शन तक गए, तो उन्होंने ये चेक किया कि जो प्रूव करके दिखाया कि जो अर्थ है वो राउंड में. हाउ डू वी नो डैट द अर्थ इज़ राउंड, इफ वी स्टैंड एट द सी शोर एंड वॉच अ शिप सेलिंग अवे फ्रॉम अस वी विल ऑब्जर्व डैट द लोअर पार्ट ऑफ द शिप डिसअपियर फ्रॉम एंड द टॉप पार्ट डिसअपियर लास्ट. दिस इज़ बिकॉज द अर्थ इज़ राउंड. तो हम कैसे पहचान सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो राउंड में, अगर हम खड़े हैं सी शोर्स पे और हम किसी शिप को जाते हुए देख रहे हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो शिप का लोअर पार्ट है तो वो क्या हुआ है, दिख रहा है, जबकि उसका जो टॉप का जो पार्ट है वो क्या है, डिसअपियर है, मतलब दिख नहीं रहा है. तो ये किस वजह से होता है, ये इसी वजह से होता है कि अर्थ कैसी है, राउंड है. द अर्थ अपीयर फ्लैट टू अस बिकॉज वी सी ओनली अ टाइनी पार्ट. हमें अर्थ फ्लैट इसलिए लगती है क्योंकि हम उसका सिर्फ टाइनी पार्ट देखते हैं, सीधा सीधा देख ऊपर ऊपर का देखते हैं, हम इसके पीछे का पार्ट तो नहीं देख रहे हैं. सो बट पीपल हु हैव ट्रैवल, मगर जो लोग इसका ट्रैवल किया है अर्थ पे, स्पेस पे ट्रैवल किया है, तो वो लोग ये जानते हैं कि अर्थ क्या है, राउंड शेप में. और जो लोग ट्रैवल करते हैं स्पेस में, इसको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं. अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग हु लैंडेड ऑन द मून, जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है नील आर्मस्ट्रांग, वो क्या हुआ, 1969 में उन्होंने मून से अर्थ को देखा था. तो मून से अर्थ को देखा था, तो उन्होंने मून से अर्थ को कैसे देखी थी, वो राउंड शेप में देखी. मैनी एस्ट्रोनॉट हैज़ टेकन द फोटोग्राफ, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट हैं जो उन्होंने अर्थ की फ़ोटो खींच के दिखाई है स्पेस पे से. तो इससे ये प्रूव होता है, उन फोटो से ये प्रूव होता है कि अर्थ की शेप कैसी है, अर्थ की शेप राउंड है. The Earth spin from west to east. This movement of Earth called rotation.
अर्थ क्या है, इस मतलब अपनी पोजीशन से वेस्ट से ईस्ट पे रोटेट करती है। इस जो मूवमेंट होती है इसको हम रोटेशन बोलते हैं, और ये रोटेशन की वजह से डे और नाइट होता है। द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कम्प्लीट, और 24 आवर्स लगते हैं इसको वन रोटेशन कम्प्लीट करने पर अपने एक्सेस से। रेवोल्यूशन क्या होता है, द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस एट द सेम टाइम इट गोज अराउंड द सन। द फिक्स्ड पार्ट इन विच द अर्थ गोज अराउंड द सन इज अर्थ ऑर्बिट। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। देखिए जब क्या होता है, अर्थ मूवमेंट करती है तो जब तक सन के बहुत करीब आ जाती है तो ये सारा इसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। द अर्थ टेक्स 300, तो उसको पता है कितना टाइम लगता है अर्थ को, 365 डेज लगते हैं सन के अराउंड जाने पर। तो ये क्या करता है, सीजन को चेंज करता है। ये जो चेंजेस होते हैं, द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेस द सीजन चेंजेस, तो इससे क्या होता है सीजन में चेंजेस आते हैं। द लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ की देखिए अलग अलग लेयर होती है, जिसमें आउटर लेयर होती है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और इनर लेयर, इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम कोर बोलते हैं, जो मेटल की बनी होती है, और जो बीच की लेयर होती है इसको, क्रस्ट और कोर के बीच की लेयर होती है इसको मेंटल बोलते हैं, और ये बहुत गर्म होती है, बहुत गर्म गर्म पत्थरों से इसके अंदर पत्थर होते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक बार आप इसको खुद से रीड करिएगा, और आई होप यू आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।